गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आज का ही ब्लॉग अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को है ना लैपटॉप मेरे साथ ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जो मेरे दूसरे चैनल की शूटिंग कर नहीं पाया था, और मैंने सोचा था कि आज मॉर्निंग में जाऊँगा, पर वो ये कि रात को कुछ दूसरे काम आ गए थे तो लेट सोया, तो फिर लेट ही उठा। तो कोई नहीं, अभी हम फटाफट अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे और लैपटॉप अपने साथ ही रखेंगे, और इसी में वहीं पे बैठ के थोड़ी देर का ही काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि शूटिंग भी अभी हम जाते वक्त ही कर लेंगे और वहीं के वही अपलोडिंग पे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करने वाले। बाकी अभी है ना, अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी आने वाला है, वो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, तो आप बने रहिए। ये देखिएगा गाइस, ये मेरा लैपटॉप बैग है, इसमें फटाफट अब मैंने लैपटॉप भी रख लिया है, अब इसको फटाफट लेके चलेंगे। पता नहीं मॉर्निंग से ही है ना, कुछ तो भी आँख में ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कुछ तो भी है ना सुई हुई टाइप चुभ रहा है। अब पता नहीं क्या चुभ रहा है, देखो अब मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है क्या है, पर कोई नहीं, अभी हम ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी मैं निकल रहा था तो मैंने टेबल पे ना भिंडी पड़ी हुई देखी, तो मैंने कहा यार, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैंने दो बार भिंडी खा ली थी, तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा, और अभी शायद कल भी मैंने भिंडी की सब्जी खाई थी, और अभी आ रोज और आज भिंडी देखी, तो मैंने कहा लगता है एक दो दिन में ऑफिस से भिंडी बनने वाली है। ये देखिए, ये देखो, ये भिंडी रखी हुई है, एक दो दिन में ऑफिस से लगता है हमको टिफिन में भिंडी की सब्जी मिलने वाली है। और ये इधर रिंजू भाई का खाना है, रिंजू भाई ने खाना ही नहीं खाया और ये ऊपर आ गया, और ऊपर आके सो गया मेरे रूम में भाई साहब। तो अब हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। एक्चुअली क्या हो ना, मेरा है ना हाथ में बहुत सारा सामान हो गया है, टिफिन भी है, हेलमेट भी है, और पीछे यहाँ पे मैंने है ना लैपटॉप बैग भी लगाया हुआ है, और उसके साथ साथ चाबी भी है। तो मेरे को एक्चुअली है ना ये गेट खुलना है और अब निकलना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा वाइल्ड शूटिंग करते हुए, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ अभी हम घर पे आ गए हैं, और एक्चुअली मैं लेट आज इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल काम था, मेरा जो कैमरा है उससे ना ऑटो अपलोडिंग चालू हो गया था, तो मेरे को डाटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, नहीं करता तो वैसे भी मेरे मेमोरी कार्ड में स्टोरेज नहीं थी, तो मेरे शूटिंग नहीं हो पाती इवनिंग की। जैसे कि पता है आपको कि हमारा जो अभी इवनिंग का व्लॉग है वही सिंगल व्लॉग है, क्योंकि मॉर्निंग का हमने अलग से डाला हुआ था, उसके एक दिन पहले हमारा शूट नहीं हो पाया था किसी कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मेमोरी कार्ड था नहीं उसमें। और बाकी अभी हम फटाफट घर पे आ गए थे, और घर पे आके मेरे को पता चला कि मम्मी ने बोला गरम गरम कुछ खाना बना हुआ, तो पहले खाना खा ले फिर बाद में रिंजू को घुमा लेना और अपने सारे दूसरे काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला था कि फ्रेशन अप होके खाना खा के फिर रिंजू को घुमाने वाला था, पर अभी अब मैंने थोड़ा रिशेड्यूल कर दिया, पहले खाना खाऊंगा फिर रिंजू को घुमा के ले आऊँगा, फिर फ्रेशन अप होके थोड़ा चेंज वेंज करके अपनी एडिटिंग पे बैठेंगे। तो अभी आप बने रहिएगा, फटाफट हम खाना खा लेते हैं। ये देखो रिंजू बाबा को, रिंजू बाबा भी आ गए इधर, देखे देखे मेरे को बोल रहे फटाफट मेरे को घुमाने ले चलो ना। मैंने कहा चलते बस मैं खाना खा लूँ फिर तेरे को घुमाने ही ले जाता, पता नहीं क्या सुन रहा भाई। ये देखो देखो ये देखो भाई, आज है ना मैंने मोजे पहने थे और अब मैं रोज मोजे पहनूंगा। एक्चुअली इससे क्या होता है कि आपके पैर भी अच्छे रहते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो जूते वूते पहनना हमारा अलाउड है ऑफिस में, पर मेरी आदत नहीं है, मैं ना हमेशा चप्पल और जूते बाहर ही उतारता हूँ, तो उस चक्कर में क्या मेरे पैर काफ़ी गंदे हो जाते थे, तो मैंने कहा अब आज से ना मोजे पहनेंगे, और लिटरली बहुत कम्फर्टेबल लगता है मोजे पहनने में, और पैरों की भी काफ़ी कंडीशन अच्छी रहती है इससे। तो अभी हम निकले हैं रिंजू भाई साहब को घुमाने, और रिंजू भाई साहब देख सकते हैं आप पीछे कैमरे में, ये देखो रिंजू को देखा कि नहीं, भौंकना चालू कर देते, और इस तरफ भी ये भी अभी है ना भौंक रहा था, पर अभी रिंजू पास में आया तो अभी बंद हो गया। ये ना एक्चुअली प्लेफुल डॉग है, पर मेरे को ना थोड़ा डाउट होता है इसमें, इसलिए मैं ना थोड़ा रिंजू से दूर ही रखता हूँ, क्योंकि एक बार मस्ती मस्ती के चक्कर में ना धीरे से रिंजू के पास में फिर घुर्राने लग गया था। ये देखो 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 इसको। तो गाइस अभी हम हमारे रूम पे आ गए हैं, और अब फटाफट एडिटिंग करने बैठेंगे, बाकी रिंजू भाई साहब भी इधर आ गए थे। और एक चीज़ थी कि यार आज जैसे मैंने ना पूरा सर्च आउट कर रहा था, मतलब आप ना अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देखोगे यूरोप की या आसपास के उनके जो मेन देश है, जैसे स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, पेरिस है, मतलब पेरिस तो एक ही है, फ्रांस
और जर्मनी है, स्पेन है, लिटरली उनकी टिकट्स के प्राइस ऐसे बढ़ रहे कि पूछो मत। जो प्राइस हमने कल देखे थे उसमें एटलीस्ट 25-30% का इंक्रीज हुआ है एक दिन में। अब मैं एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बोलूँगा पर हुआ है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे क्लाइंट से भी बात होती है। तो क्या होता है, आज हमने उनको ये रेट दिए तो फिर नेक्स्ट डे क्या हो, फ्लाइट के रेट चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लॉक नहीं करी होती है वो सीट। तो वही है कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। बाकी अभी रिंजू भाई साहब को देखो, ये देखो भाई, ये ना अभी सोच रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे बैठूँ, काफ़ी सोचने के बाद भाई नीचे ही बैठ गया। बोले यहाँ पे मस्त हवा आएगी तो नीचे ही बैठता। एक्चुअली डॉग्स का रहता है गाइस कि ये ना इनको ज़मीन ज़्यादा बेटर लगती है, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंडी रहती है ना कंपेटिटिवली बेड के मुकाबले। तो भाई साहब बैठ गए इधर, क्यों है ना। अभी है ना मैं रेंजू के पास गया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा गीला था, तो अभी मैं फटाफट है ना उसका टॉवल लेके उसको पोंछ देता हूँ। और बाकी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते गाइस। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर हमारे चैनल पे वीडियोज अच्छे लग रहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी तो आप बने रहिएगा। सो टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अब कल मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बूम।